हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग्स 2022। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी 2022 में सभी इंडेक्स आई हैं, जो भी रैंकिंग्स आई हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टॉप्ड द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी एक लिस्ट जारी करी है, आप कह लीजिए उसे कहते हैं हुरून रिसर्च हेल्थ केयर, जो है रिच लिस्ट यहाँ पे जारी करी गई है। और इसमें टॉप पोजीशन पर कौन है? सही आंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, ध्यान रखेंगे, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रही हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो वो हैं थॉमस फ्राइस जूनियर एंड फैमिली, जो HCA हेल्थ केयर US के कंपनी के ऑनर हैं। एंड थर्ड नंबर पे हैं, उनका नाम है ली जिटिंग एंड जू हैंग। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी हमें याद रखना है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ हैप्पी कंट्रीज। तो खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पे है? राइट आंसर हो जाएगा 136 नंबर पे है, जो है भारत है। तो इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। और ये इसका कौन सा एडिशन है? तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का है 10th एडिशन। इसमें जो टॉप पोजीशन पे कंट्री रही है वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड देखिए हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो इसमें टॉप पोजीशन पर रही। और वहीं अफगानिस्तान जो है इसको कंसीडर किया गया है मोस्ट अनहैप्पी कंट्री, यानी ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप 3 कंट्रीज में है फिनलैंड, देन डेनमार्क और उसके बाद है आइसलैंड। इसके उसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग्स होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस बार इसमें भारत की जो रैंक रही है वो रही है 83rd नंबर की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिक क्या करता है, ये पासपोर्ट्स की एक जो रैंकिंग है उसको तैयार करता है। और ये बताता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितनी कंट्रीज़ में बिना प्रायर वीज़ा के आप विज़िट कर सकते हो। तो इसको दर्शाता है ये इंडेक्स। इस इंडेक्स को ओरिजिनली इस्टेब्लाइश किया गया था डॉक्टर क्रिस्टियन एल कीलन, जो कि प्रेसिडेंट थे हेनली एंड पार्टनर्स के। तो इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए, इसमें भारत की रैंक तो 83rd नंबर पे हो गई। टॉप कंट्री पे है जापान एंड सिंगापुर, देन जर्मनी एंड साउथ कोरिया। सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान का और इसे जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ऑनर है। ध्यान रखिएगा, ये है अभी रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड पे हैं जेफ बेजोस और थर्ड नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्टन फैमिली। इस रिपोर्ट को फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। और इसे इस रिपोर्ट को जारी किया गया है स्विस फिल्म IQ ईयर के द्वारा 2022 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर पे है चाड और थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान। इस रिपोर्ट को IQ ईयर ने जारी किया है और इसका हेडक्वार्टर है गोल्डेक स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन है अगला, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जिसे UNEP ने रिलीज़ किया है, विच सिटी हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूशन सिटी इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड नंबर का यानी दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है?
तो वो है मुरादाबाद, जो कि है आपका इंडिया में। तो मुरादाबाद शहर जो है वो सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 114 डेसिबल नॉइस पोल्यूशन को रिकॉर्ड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश का ढाका शहर है, उसके बाद इंडिया का मुरादाबाद शहर, एंड देन थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इशू किया है और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021, और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है नाइट फ्रैंक ने। इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत की जो पोजीशन है वो है 51st नंबर की, भारत की पोजीशन है। और इंडिया अगर हम बात करते हैं 2020 के फोर्थ क्वार्टर में 56 नंबर पे था, और अभी 2021 मतलब ये जो रैंकिंग आई 2022 में ये जो जारी की गई है, इसके अकॉर्डिंग 51 नंबर पे जो है वो इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, विच वुमेन हैज़ टॉप्ड द हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें पूछा गया कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड में टॉप पोजीशन किसने हासिल करी है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो याजुन लॉन्ग फोर की ऑनर है और ये इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकेंड नंबर पे है फांग होंगवी और थर्ड नंबर पे है वांग लाइचुन। इसे हुरून ने जारी किया है और ये इसका 12th एडिशन है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022? तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। आंसर हो जाएगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये इसमें टॉप पोजीशन पे रही। सेकेंड नंबर पे है यूएसए की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड नंबर पे है कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इशू किया गया और ये इसका 4th एडिशन है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु हैज़ बिकम द 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2022? तो दुनिया के 5वें नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वो है गौतम अडानी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में कौन से नंबर पे आते हैं, तो आपका आंसर होगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे है एलन मस्क, देन जेफ बेजोस, देन है बर्नार्ड अर्नोल्ट, और इसे फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। विच कंट्री हैज़ टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1? तो देखिए इसमें टॉप किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान और सिंगापुर देश ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है जर्मनी एंड साउथ कोरिया, फिर देखिए फिनलैंड, इटली, स्पेन एंड लग्जमबर्ग। इसे हैनलेन पास पार्टनर रिसर्च टीम ने इस रिपोर्ट को जारी किया। अगला है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स इन दी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021, जिसे सीपरी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हथियार हैं उनके सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश जो है पहले पोजीशन पर है। आंसर है सऊदी अरेबिया और इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टॉक सीपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, और कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी है जहां पे हाईएस्ट नंबर अटैक्स हुए हैं जर्नलिस्ट पे। तो इस कैटेगरी में जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है, जहां पे सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हुए हैं 2022 में। वहीं उत्तर प्रदेश रहा सेकेंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे रहा है मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट को इशू किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन है अगला, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में, और इसे भी सिपरी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है वो इसमें
तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2021 में जो भारत की रैंक आई है वो है थर्ड नंबर की। फर्स्ट नंबर पे है यूएस, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है मिलिट्री पे, उसके बाद है चाइना और देन उसके बाद है इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 21-22। तो इंडिया की रैंक कौन से नंबर की है? तो फ्रेंड्स, इंडिया जो है ना यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे फोर्थ आएगा, एक ऑप्शन हम सही करेंगे इस यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है दुबई, सेकेंड नंबर पे है नीदरलैंड, थर्ड नंबर पे जो है वो है स्वीडन और इसमें भारत जो है वो चौथे नंबर पे रहा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाई डफ एंड फिल्प्स, हु हैज़ बिकम द सेलिब्रिटी विद हाइएस्ट ब्रांड वैल्यू इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो भारत में सेलिब्रिटी विद हाई ब्रांड वैल्यू कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा विराट कोहली। अगला है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलेनियर्स 2022? इसे भी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है। और बात करते हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, देखिए भारत की जो रैंक रही है वो रही है फोर्थ नंबर की। ये जो रिपोर्ट है ये रैंक करता है सेल्फ मेड बिलेनियर्स इन दी वर्ल्ड 40 ईयर ऑफ एज और यंगर, मतलब जो खुद से बिलेनियर बने हैं, देखिए उन्होंने खुद से कुछ ऐसे काम किए हों, तो उन्हीं बिलेनियर्स की यहाँ पर रैंकिंग्स तैयार की जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड इन फेबर 2022, विच कंपनी हैज़ ओवरटेकन इंटेल एज वर्ल्ड टॉप सेमी कंडक्टर कंपनी इन 2021? राइट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी इसमें पहले नंबर पे रही, उसके बाद है इंटेल, देन है एसके हाइनेक्स। इस रिपोर्ट को काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा इशू किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, और इसे लंडन एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ किया है। तो इसमें भारत की जो रैंक रही है वो है सेकंड प्लेस पे। तो डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत की रैंक रही है फ्रेंड्स सेकंड प्लेस पे, और इंडिया की जो बेंगलुरु सिटी है उसने पूरे वर्ल्ड में जो है वो टॉप किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है यूएस और इंडिया है यहाँ पे दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है चाइना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, जिसे वी डैम ने रिलीज़ किया है। तो फ्रेंड डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की जो रैंक रही है वो है 93rd नंबर की, और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि टॉप कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती हैं। तो टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो देखिए स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे ये हैं टॉप थ्री पे, और भारत की पोजिशन है 93rd नंबर की। इसके बाद है, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1, जिसे नीति आयोग ने रिलीज़ किया। इसमें देखिए यहाँ पे हमें स्टेट की कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात राज्य के द्वारा जो है वो इसमें टॉप किया गया है। और स्मॉलर, अगर हम स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में बात करते हैं तो पहले नंबर पे कौन है? गोवा। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा इशू किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद देखिए, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप इन द यूएस क्यूएस वर्ल्ड इन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? तो बात करते हैं कि इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है वो इस लिस्ट में टॉप किया है। और सेकंड प्लेस पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड में है, और थर्ड प्लेस पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है, देखिए अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैस्टिलियम AI, विच हैज़ बिकम द मोस्ट बैन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश जो है वो बन गया है कौन सा? वो है रशिया, जिसपे सबसे ज़्यादा सेंक्शंस लग गए हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंड नंबर पे है ईरान और थर्ड नंबर पे है सीरिया। इस रिपोर्ट को कैस्टिलियम AI ने रिपोर्ट इशू किया है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
अगला है विच हैज़ बिकम दी वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो देखिए इसमें अब पूछ लिया गया है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया की न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड जो है वो कैपिटल सिटी बनी है, उसके बाद है ढाका बांग्लादेश एंड देन चाड की कैपिटल है एनजमीना। इस रिपोर्ट को IQEAR ने रिलीज़ किया है जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अकॉर्डिंग टू दी वेल्थ रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलेनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। तो विश्व में सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत जो है वो कौन से स्थान पे है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पोजीशन इज द राइट आंसर। अमेरिका देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले नंबर पे है, उसके बाद है चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी विच स्टेट हैज़ टॉप अमंग द स्टेट विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे लोएस्ट की बात हो रही, यानी सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में शीर्ष स्थान हासिल करा है छत्तीसगढ़ ने। वहीं इसके ऑपोजिट ध्यान रखेंगे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर होगा तो उसमें हरियाणा पहले नंबर पे रहा, सेकंड प्लेस पे है राजस्थान जम्मू कश्मीर और तीसरे प्लेस पर है वहाँ पे झारखंड। अगला है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 लिस्ट विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं टॉप थ्री वैल्यूएबल कंपनी में पहले पे है एप्पल, देन अमेज़न एंड देन है आपका गूगल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड हैज़ इंडियाज हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो देखिए हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। अगर यहीं हम फ्रूट्स की बात करते तो फ्रूट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स 2021 में टॉप पोजिशन किसने हासिल करी है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात इज़ दी करेक्ट आंसर। तो पहले नंबर पे है गुजरात, देन है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटका। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने इशू किया है। इसके बाद देखिए है विच सिटी बिकेम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन द रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस, और इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने रिलीज़ किया। तो इनके अकॉर्डिंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद शहर, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो इसको कहा गया है। तो टॉप थ्री पोल्यूटेड सिटीज़ में पहले नंबर पे है गाज़ियाबाद, देन है दिल्ली, उसके बाद है फरीदाबाद। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022 व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है उसमें भारत कौन से नंबर पे है, 120th नंबर पे है भारत। इस इंडेक्स में देखिए मेज़र किया गया है कंट्री की ओवरऑल प्रोग्रेस को, साथ ही में यहाँ पे कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी डिक्लेयर किया गया है। तो पहले नंबर पे है फिनलैंड, उसके बाद है स्वीडन और देन है आपका डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो है 43 नंबर की। तो याद रखिएगा भारत की जो रैंक है वो 43 नंबर की है। और इस रिपोर्ट का ये कौन सा एडिशन है, तो 9th एडिशन है। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है वो भी हमें याद रखनी है। तो पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, देन है यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ द 13th फेजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोलंबिया इज़ द करेक्ट आंसर।
तो पहले नंबर पे है कोलंबिया, उसके बाद है अल्जीरिया एंड देन है थाईलैंड। इस रिपोर्ट को दुबई यूएई में जारी किया गया और ये इसका 13th एडिशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट जिसे फोर्ब्स ने रिलीज़ किया, उनके अकॉर्डिंग देखिए हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर कौन है? तो वो है नेओमी ओसाका। और नेओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 2021 में देखिए फोर्ब्स के द्वारा जो हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर की एक जो एक तरीके से फीमेल प्लेयर की जो लिस्ट होगी उसमें पहले नंबर पे हैं नेओमी ओसाका, सेकंड पे हैं सेरेना विलियम्स और उसके बाद हैं वीनस विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया है? फ्रेंड, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। हु हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022? सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। अगला है, एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स में जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, कौन सी यहाँ पर स्टेट है जिन्होंने इसमें टॉप किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। यूनियन टेरिटरी स्टेट्स लाइक लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, मेघालय, इन सभी की इस रिपोर्ट में वर्स्ट कंडीशन है। पहले नंबर पे है गुजरात, देन महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटका। और इस रिपोर्ट को इशू किया है नीति आयोग ने जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो देखिए क्वेश्चन में काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ये पूछ लिया कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में पहले नंबर पे है एलन मस्क, उसके बाद जेफ बेजोस एंड देन बर्नार्ड अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो इसके अकॉर्डिंग जो भारत है, भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा भारत है 5th पोजीशन पे। पहले नंबर पे है US, उसके बाद है चाइना, थर्ड नंबर पे है जापान। और इसे ब्लूमबर्ग के द्वारा इस रिपोर्ट को इशू किया गया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, विच स्टेट हैज़ टॉप द लोएस्ट मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया? तो अगर हम बात करते हैं सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में, तो इसमें जो है पहले नंबर पे है केरल। वहीं इसकी तरफ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे केरल पहले नंबर पे है, देन महाराष्ट्र है, उसके बाद है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? तो फ्रेंड्स ये जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ उसकी जो मेडल टैली है उसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल करा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल्स के साथ शीर्ष पोजिशन पर रहा। इंडिया ने टोटल 7 मेडल हासिल करे, नॉर्वे 6 और थर्ड नंबर पे है फ्रांस। इसका जो वेन्यू रहा था यानी कहाँ पे ये जो चैम्पियनशिप है वो हुई थी, तो कायरो इजिप्ट में इसको कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग्स 2021 रिलीज्ड बाय द स्कॉच ग्रुप इन द ईयर 2022? तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन से राज्य ने टॉप पोजीशन हासिल करी है? तो राज्य का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये देखिए एनुअल रिपोर्ट है इन विच द स्टेट्स, जहाँ पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो कि वेरियस प्रोजेक्ट्स पे उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें पहले नंबर पे हासिल करी है पोजीशन आंध्र प्रदेश ने, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पोजीशन पे रहा है उड़ीसा। अगला है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर इन ICC टेस्ट रैंकिंग? आंसर इज रविंद्र जडेजा। सेकेंड पे है जेसन होल्डर और थर्ड पे है रविचंद्रन अश्विन। इंडिया हैज़ गॉट हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द रिपोर्ट टाइटल
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल रिलीज्ड बाय फ्रीडम हाउस। तो इसमें भारत को 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 66 भारत को इसमें मार्क्स मिले हैं। लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए न्यूजीलैंड है सबसे फर्स्ट पे, देन कैनेडा, उरुग्वे, नीदरलैंड। वहीं वर्स्ट स्कोरिंग कंट्रीज में है साउथ सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान। इस रिपोर्ट को इशू किया है फ्रीडम हाउस ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय MOSPI, विच स्टेट हैज टॉप इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस इन द ईयर 2022? तो इसमें जो है वो तेलंगाना ने पहला स्थान जो है इसमें हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर वन मेल प्लेयर इन द टेनिस ATP रैंकिंग्स। तो टेनिस के ATP जो रैंकिंग है उसमें नंबर वन मेल प्लेयर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनियल मेडवेडेव। और डेनियल मेडवेडेव जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? रशिया से। विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022? तो फ्रेंड्स बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा, यानी टॉप पोजीशन पे रहा? नॉर्वे रहा टॉप पोजीशन पे, उसके बाद देखिए जर्मनी, देन यहाँ पे है चाइना। इस बार जो ओलंपिक हुए थे विंटर ओलंपिक्स, ये बीजिंग चाइना में हुए थे। और इसका कौन सा एडिशन हुआ था फ्रेंड्स? तो 24th एडिशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हुरून इंडिया वेल्थ, व्हाट परसेंट हैज इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ मिलेनियर फैमिलीज इन इंडिया ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक। तो देखिए कोरोना एपिडेमिक के दौरान कितना परसेंट जो है नंबर ऑफ मिलेनियर फैमिलीज जो है वो बढ़ी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11%। तो नंबर ऑफ डॉलर मिलेनियर हाउसहोल्ड इन इंडिया जो कि इंक्रीज हुई है 11%। सबसे ज़्यादा अगर हम मिलेनियर्स फैमिली की बात करते हैं तो मुंबई में सबसे ज़्यादा मिलेनियर फैमिली बनी है, देन दिल्ली हो गया, देन कोलकाता। इस रिपोर्ट को इशू किया है हुरून इंडिया वेल्थ ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम अंडर द सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना के तहत कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जो घर है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसमें पहले नंबर पे रहा है। और इसी में अगर हम बात करते हैं सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, और थर्ड प्लेस पे रहा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो 46 नंबर की रही है। इसमें टोटल 5 पैरामीटर्स के ऊपर ये रैंकिंग जारी करी गई है, जिसमें इलेक्शन प्रोसेस हो गया, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टीज। तो इसमें इंडिया की पोजीशन रही है 46 प्लेस पे। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड पे है न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इशू किया, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, कौन सा शहर है जो कि मोस्ट कंजेस्टेड शहर रहा है पूरे वर्ल्ड में? राइट आंसर हो जाएगा इस्तांबुल, जो कि है टर्की में। तो ये सबसे कंजेस्टेड शहर रहा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 3 सिटी यहाँ पे इंडिया की टॉप 10 में रही, जैसे मुंबई जो है वो 5वें नंबर की कंजेस्टेड सिटी में आया है और इस रिपोर्ट को इशू किया है टॉमटॉम ने। अब यहाँ पे देख लीजिए, विच सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया। तो अभी हमने बात करी कि इंडिया में कौन है, मुंबई शहर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज़ स्टॉप इन गोल्ड परचेज। तो गोल्ड परचेज यानी सोने की खरीद में कौन से देश का सेंट्रल बैंक है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है? आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड काउंसिल, गोल्ड काउंसिल ने इशू किया, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022, और इसे रिलीज़ किया है सेल्स फोर्स ने। इसमें भारत को 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं? तो राइट आंसर इज 63 भारत को मार्क्स मिले हैं।
और इसमें देखिए इस रिपोर्ट को सेल्सफोर्स ने जो है इशू किया है, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, तो आपका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022, तो जनवरी में भारत में कितनी बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है, आंसर है 6.57%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात होती है तो स्टेट वाइज अगर हम देखें तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में तेलंगाना रहा पहले नंबर पे, वहीं हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे पहले नंबर पे रहा है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 10th रैंक हासिल करी है अमंग दी मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स में, तो आंसर हो जाएगा LIC इंडिया ने 10th पोजीशन हासिल की है। और इसी में अगर हम बात करें नंबर वन पोजीशन पे कौन सी कंपनी है, तो वो है चाइना की पिन एंड इंश्योरेंस कंपनी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, सही आंसर हो जाएगा चाइना, जो कि सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वो अभी हमने देखिए पढ़ा है, तो वो है इंडिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक रही है फ्रेंड्स 85th नंबर पे जो है इसमें भारत रहा है। इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रैंक है इसमें 140। लोएस्ट प्लेस पे रहा है साउथ सूडान। इस रिपोर्ट को इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टाटा ग्रुप एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, तो इसमें टाटा जो ग्रुप है इसकी स्थिति है 78th प्लेस पे है ये। फोर्ब्स की अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन शटलर PV सिंधु इन द लिस्ट ऑफ हाइएस्ट पेड फीमेल प्लेयर्स, तो इसमें अगर हम बात करते हैं PV सिंधु कौन से प्लेस पे हैं, तो वो है 7th प्लेस पे, और फर्स्ट नंबर पे हमने बात किया था वो कौन है, नेओमी ओसाका हैं जो कि हैं जापान की प्लेयर, तो ये दोनों आपको याद रखनी हैं। इसके बाद देखिए विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रैंक 8th इन द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस की जो सूची है उसमें जो है 8th नंबर की रैंक मिली है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है याद रखिएगा। और इस लिस्ट में पहले नंबर पे है USA का मियामी एयरपोर्ट, सेकंड पे है जापान का फुकुआको, थर्ड पे है जापान का हानेडा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन अचीवमेंट्स में, तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन से IIT ने टॉप किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर है जो कि स्टार्टअप कैपिटल के रूप में उभरा है, तो शहर का नाम हो जाएगा दिल्ली। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो अगर हम एरिया की बात करते हैं एरिया के अनुसार देखें तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम इंक्रीज यानी फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे देखी गई है, तो वो हुई है आंध्र प्रदेश में, 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पे हुई है। इसके बाद देखिए कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल करी है इंडिया के ट्रेड पार्टनर के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे रहा है, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला है सेल्सफोर्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, तो 63 पॉइंट्स के साथ भारत जो है वो इसमें पहले नंबर पे रहा है।
अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे 21 रिलीज्ड बाय द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रासेस इन इंडिया इज नाउ इन चिल्का लेक? तो अब भारत में अब कितने प्रतिशत घास जो है वो चिल्का लेक में है? सही आंसर हो जाएगा 33%। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2021, ये किसने जारी की है? तो फ्रेंड्स ये जारी करी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इस इंडेक्स को जारी किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME, कौन सा स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन हासिल करी इन द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट MSMEs इन इंडिया? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है महाराष्ट्र स्टेट, सेकंड पे रहा है तमिलनाडु और थर्ड पे रहा है राजस्थान राज्य। अगला है अकॉर्डिंग टू द डेलॉइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट बाय ग्लोबल कंसल्टिंग फिर्म, कौन सी फिर्म का नाम क्या है? तो वो है डेलॉइट। तो यहाँ पे बतानी है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल लिमिटेड इन द वर्ल्ड, तो रिलायंस रिटेल लिमिटेड की विश्व में कौन सी पोजीशन रही है? तो राइट आंसर है 56। पहले नंबर पे है इसमें वॉलमार्ट, सेकंड पे है अमेजॉन, थर्ड पे है कोस्को होलसेल कॉरपोरेशन। अकॉर्डिंग टू द डेलॉइट 2022, द डिसकनेक्टेड बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन कंपनीज इन द टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कंसर्न? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कंसर्न के तौर पे जो इंडियन कंपनीज है उनकी कौन सी पोजीशन इसमें रही है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5th पोजीशन। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 ये किसने जारी की? ये ऑक्सफैम इंडिया ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो इसमें पहले पोजीशन पे जो है वो रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर विल सून फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन कंट्री टू हैव अ डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बाद देखिए कौन सा स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन हासिल करी है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज, तो इसमें पहले नंबर पे जो स्टेट रहा है उसका नाम है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? भारत है इसमें 3rd स्थान पर, पहले नंबर पर है इसमें चाइना और सेकेंड नंबर पर जो है वो इसमें है कैनेडा। According to the Forest Survey Report 2021, how much has increased in the total forest and tree filled area of India in last 2 years? तो पिछले 2 वर्षों में भारत के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि की बात करते हैं कितनी हुई है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2261 स्क्वायर किलोमीटर की जो है वो वृद्धि देखी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।